नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। वरुण गांधी हनी ट्रैप और ब्लैक मैकिंग का मामला। भाजपा नेता वरुण गांधी इस आरोप के बाद विवादों में घिरे नजर आए कि उन्होंने हनी ट्रैप के बाद रक्षा संबंधी मामलों के बिचौलिए अभिषेक वर्मा को रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराए थे। वहीं वरुण ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वह 2004 से वर्मा से नहीं मिले हैं। इससे पहले एक कथित अमेरिकी विसल्स ब्लोअर एडमंड एलन ने वरुण गांधी पर आर्म्स डीलर के हनी ट्रैप में फंसने का आरोप लगाया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले पर वरुण गांधी का कहना है कि मैं जब लंदन में पढ़ रहा था उस दौरान मेरी अभिषेक वर्मा से मुलाकात हुई थी, उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। बाद में डिफेंस कमेटी में मैं मेंबर जरूर था, लेकिन वहां की सीक्रेट बातें मुझे नहीं बताई जाती थी। ऐसे में सीक्रेट बातें लीक करने का सवाल ही नहीं उठता। इस मामले के जानकार सूत्रों का कहना है कि कथित अमेरिकी विल्स ब्लोअर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर वरुण गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में लिखा गया है कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा बीजेपी सांसद वरुण गांधी को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके साथ ही एडमंड एलन ने पीएमओ को वरुण गांधी की वे तस्वीरें भी भेजी है जिनके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने का दावा किया जा रहा है। एलन के वरुण गांधी को रक्षा समिति से जुड़ी जानकारियां देने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, क्योंकि उनकी तस्वीरें विदेशी एस्कॉर्ट महिलाओं के साथ खींची गई थी। वहीं इस मामले में तस्वीरों को लेकर वरुण गांधी का कहना है कि अगर इस तरह की कोई तस्वीर है तो वे माफ्ट है। वरुण का कहना है कि संसदीय रक्षा समिति की जिन बैठकों का जिक्र एलन ने किया है उनमें वे शामिल ही नहीं थे। साथ ही पत्र में दावा किया गया है कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने अपने ग्राहक को भारतीय वायुसेना से $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए बीजेपी नेता वरुण गांधी और रिटायर्ड एयर मार्शल हरीश मनसद की मदद ली थी। वहीं एलन ने पीएमओ को लिखे गए पत्र के जरिए आरोप लगाया है कि संसद की रक्षा समिति के सदस्य के रूप में वरुण गांधी की पहुंच महत्वपूर्ण जानकारियों तक थी, जिन्हें वह नियमित रूप से अभिषेक वर्मा और उनके साथ शामिल आर्म्स डीलर्स को देते रहते थे। एलन अमेरिका में वर्मा का कारोबारी सहयोगी रहा है। वहीं वरुण गांधी ने कहा कि यह आरोप हास्यास्पद है, इसलिए वे इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। एलन ने एक समाचार पत्र को कहा कि वह इस मामले में जांच चाहते हैं। स्वराज अभियान के नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में न्यूयॉर्क स्थित वकील एडमंड्स एलन का एक पत्र जारी किया जो पिछले महीने पीएमओ को लिखा गया था। वरुण गांधी ने कहा है कि एलन ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं, लेकिन उसे लेकर कोई सबूत साझा नहीं किए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सपा में चिट्ठी बम से बवाल, अखिलेश की सौतेली मां तक पहुंचा मामला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, मोदी सरकार पाक का पर्दाफाश करने में सफल। पर्रिकर ने राफेल के सौदे को सबसे अच्छा बताया। कश्मीर में 12 देशद्रोही सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, 24 पर तलवार लटकी। ओबामा ने कहा कि चुनाव में धांधली से जुड़ी ट्रंप की टिप्पणियां हैं खतरनाक।